सपा के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर से वर्तमान सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर के आलियागंज में किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में अब तक आजम खान पर 23 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सपा सांसद आजम खान को भूमाफिया घोषित कर दिया और आजम खान व उनके सहयोगी पूर्व सीओ आले हसन का नाम एंटी भूमाफिया पोर्टल में दर्ज करा दिया है। दरअसल रामपुर में 23 किसानों ने आजम खान पर जमीन कब्जा कर जौहर अली यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा यतीम बस्ती के लोगों ने भी आजम खान द्वारा उनके मकानों पर बुलडोजर चलवाकर बिघर करने और उस स्थान पर रामपुर पब्लिक स्कूल का निर्माण कराने का भी आरोप लगाया है। मुख्य शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता फैजल खान ने आजम खान पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि आजम खान ने यतीम बस्ती को उजड़वाकर इस जगह को जौहर ट्रस्ट के नाम कर दिया और अब वहाँ स्कूल बनवा रहे हैं। रामपुर पब्लिक स्कूल पर नोटिस दिया गया था 15 दिन का ध्वस्तीकरण का और आप इसके मुख्य शिकायतकर्ता थे, तो इस समय क्या कार्रवाई चल रही है प्रशासन की ओर से? देखिए, ये जगह जहाँ पे आप खड़े हैं यतीम खाना बस्ती कहलाती है। ये लोग यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 60-70 साल से रहते थे। अचानक से आजम खान ने साल 2016 में इस जगह पर कब्जा कर लिया एक तरह से गैर कानूनी तरीके से। इस जहाँ पे ये लोग रहते थे लगभग 40 परिवार थे, इनके घरों पे रात को 10 बजे नोटिस चिपका दिया गया और नोटिस चिपका के ये कहा कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, आपका आवंटन निरस्त कर दिया गया है। ये लोग बहुत लंबे समय से किराएदार थे, इसका किराया जमा करते थे, इनके पास रसीदें मौजूद थी, उसके अलावा आवंटन का पेपर भी था, लेकिन इनका आवंटन निरस्त कर दिया जाता है और इस जगह को 1 रुपये सालाना लीज पे जौहर ट्रस्ट को अलॉट कर दिया जाता है और यहाँ पे बिना नक्शे पास कराए गैर कानूनी तरीके से आप देख रहे हैं स्कूल बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत हमने उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठते थे और आजम खान के मामले में कोई बोलता नहीं था। तमाम पीड़ित परिवार दिन रात सड़कों पर रहते रहे, कोई इनके रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन आज अब प्रशासन से एक बार इन परिवारों को फिर से उम्मीद जागी है और इन्होंने मेरे साथ जाकर जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और एक उनको अपनी शिकायत सौंपी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने जांच कराई तो ये बात सही साबित हुई कि आजम खान का जो स्कूल बनाया जा रहा है ये बिना नक्शे पास कराए बनाया जा रहा है और यतीमों की जगह पर ये स्कूल बनाया जा रहा है, तो इस वजह से इसको ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी हुआ है। 15 दिन का वक्त आजम खान की जौहर ट्रस्ट को दिया गया है जिलाधिकारी की तरफ से ध्वस्तीकरण के लिए, तो ये एक मामला है। तमाम पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ की गुहार लगाकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिलाधिकारी ने 15 दिन के भीतर निर्माण को ध्वस्त कराने का नोटिस जारी किया है, साथ ही निर्माण ध्वस्त न कराने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। आजम खान पर आज और कल में और मुकदमे दर्ज होंगे, अब तक टोटल कितने मुकदमे दर्ज होंगे? देखिए, इसमें जो हमें किसानों की शिकायत हमें मिली है अलग अलग, उसमें जबरन दराज धमका करके, प्रताड़ित करके और प्रेरण करके उनकी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत मिली, जिसके ऊपर कुल 23 मुकदमे अब तक दर्ज हुए हैं और इसमें 3 लोगों की टीम बनाई गई है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसमें कि विवेचना में जो तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंगली लीगल एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, कितने मुकदमे दर्ज हुए? कुल 23 केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं।